अगर क्लास आप 11 के स्टूडेंट हो और 2021 में आप क्लास 12 के लिए एग्जाम देंगे, अगर आप लोग क्लास 12 का बैच सब दिन 7 से 8 में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। आज से हम क्लास 12 का न्यू बैच शुरू कर रहे हैं 2021 एग्जाम के लिए। उनके हैं वे हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको सब दिन लाइव वीडियो मिलेगा। न्यू बैच देखिए क्लास 12 और ये न्यू बैच 2021 एग्जाम के लिए है। टोटल चैप्टर्स इसमें कितने हैं? 13 चैप्टर्स हैं। क्लास 11 में कितने टोटल चैप्टर्स हैं? 13 16 क्लास 11 में 16 और क्लास 12 में 13 चैप्टर। और क्लास 11 में कितने बुक हैं एनसीईआरटी के? एक बुक है और क्लास 12 में आपको दो बुक है। क्लास 12 में दो बुक्स हैं। तो ये भी आपको जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू में बैठा हुआ है, समझ गया? तो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम टू ये दो बुक है। और हम जो शुरुआत करेंगे वॉल्यूम फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, समझ गया ना? तो इनका पहला चैप्टर जो है आपको ये है रिलेशंस एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शन। क्लास 11 में भी आप लोग पढ़ चुके हो। दूसरा चैप्टर क्या था क्लास 11 का? रिलेशंस एंड फंक्शन ही था, समझ गया ना? इसमें एक चीज बढ़ेगा, बाइनरी ऑपरेशन बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन बढ़ जाएगा। रेस्ट तो आप रिलेशंस एंड फंक्शन तो आप पढ़ ही चुके हो। ये यहाँ पर देख रहे हो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस है। तो पहले हम रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो रिलेशंस, आप लोग रिलेशन के बारे में जानते हो? जी सर। बोलो, रिलेशन के बारे में जानता है ना? जी सर। एक दूसरे के तो देखो, एक वो मैथमेटिकल वाला रिलेशन है, मैथमेटिक्स का, समझ गया ना? एक गांव घर में दैनिक जीवन में जो देखता है रिलेशन, क्या सब रिलेशन देखते हो बताओ? तो गाँव घर में क्या रिलेशन देखते हो? देखते हो जी, भाई बहन का रिलेशन, पिता पुत्र का रिलेशन, माँ बेटे का रिलेशन होता है ना जी? तो कितने रिलेशन आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो? ढेर सारे देखते हो ना? देखते हो जी, यही ना रिलेशन है, संबंध है, और क्या है? कुछ समझ गया ना? तो मान के चलो कि एकदम एक क्लास में आए हो, तो एक क्लास में रहने के नाते भी तुम लोगों का एकदम रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ जी? जी इस क्लास में आते हो तो इस क्लास से रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? उस बेंच पर बैठे हुए हो, बेंच से रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। उस बेंच से क्यों रिलेशन होगा? बेंच से रिलेशन होता है? नहीं, बैठ रहा है तो रिलेशन नहीं हुआ जी? जी सर, बेंच से भी रिलेशन, इसका तुम उपयोग कर रहा है, समझ गया ना? समझ गया ना? तो रिलेशन नहीं हुआ, संबंध हुआ। तो ये सब तो मान के चलो कि अभी दैनिक जीवन के रिलेशन है। ये सब क्या है? दैनिक जीवन के रिलेशन। अब मैथमेटिक्स का क्या सब रिलेशन होता है बोलो? मैथमेटिक्स का गणेश बता देगा, वस्तु किसी वस्तु। मैथमेटिक्स का क्या सब रिलेशन होता है देखो, लंब नहीं हो गया, रेखा ए रेखा बी पर लंब है, समझ गया ना? रेखा ए रेखा बी के समांतर है, लंब, समांतर, समरूप, सर्वांगसम, समझ गया ना? जी सर। उसके बाद से बड़ा, से छोटा, बराबर, ये सभी क्या है? मैथमेटिक्स के रिलेशंस है, समझ गया ना? ये सभी मैथमेटिक्स के रिलेशंस है। तो ये तो हो गया, आप लोगों को ये सिंपल रूप से एकदम रिलेशन के बारे में बता दिया। अब रिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा यह भी चलेगा, तो समझ गया? तो रिलेशन शुरुआत करने से पहले
आप लोगों को सेट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनका जितना भी सवाल रहेगा सभी क्या रहेगा, मिडिल ब्रैकेट के अंदर में रिलेशन देखा हुआ रहेगा, तो सभी किसके अंदर में आएंगे, सेट के अंदर में आएंगे, समझ गया ना। और जब हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे उसमें भी हम सेट ही लेंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, तो रिलेशन को जानने से पहले सेट, सबसेट, एलिमेंट, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए, समझ गया ना। तो लिखो पहला, सेट किसे कहते हैं, भिन्न भिन्न वस्तु के संदर्भ, पहले भी हम आप लोगों को लिखा चुके हैं सेट के बारे में, समझ गया ना, कितना बार रटाए हैं, अब तो एकदम चलेगा रटाते हुए ही, क्योंकि ये 11th में भी स्टाइल था, 12th में और बेहतर रहेगा। फंक्शन क्लास 12, समझ गया ना, फोर बोर्ड एग्जाम 2021 का, ये 2020 के लिए नहीं है, 2021 के लिए, समझ गया, 2020 तो अभी है, 2020 आ रही है, बढ़िया से पढ़ ले, नौ पेज भी निकाल दे, कलेक्शन ऑफ 12 रिफ्लेशन और पूछता सर, ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ये जो है ना डेफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कोई भी जो ऑब्जेक्टिव बनाएगा डेफिनेशन के आधार पर ही ना जी, थ्योरी के आधार पर ही ना बनेगा जी। तो समुच किसे कहते हैं, भिन्न भिन्न वस्तु के संग्रह को समुच कहते हैं, समुच किसे कहते हैं, भिन्न भिन्न वस्तु के संग्रह को समुच कहते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच कहते हैं, ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेट कॉल्ड सेट, समझ गया ना, ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आप बोलो सेट किसे कहते हैं, अभी तो लिख ही रहे हैं, बोलो, ये लिखा हुआ है, वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये ले लिए हैं, इसमें एक दो तीन या कोई लेटर्स ही ले लो, एक्स वाई जेड भी ले लेते हैं, ले लिए हैं, ये देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये को सेट बोलते हैं, ये को हम क्या बोलते हैं, सेट सेट। अब उसके बाद देखो ये कौन ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट, आपको मिडिल ब्रैकेट जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मजली कोस्ट, मजली कोस्ट या मंझोली कोस्ट, समझ गया जी सर, मजली। अच्छा ये वस्तु क्या सब हो गया, वस्तु बोले अंदर जितने भी समुच्चय, देखो एक दो तीन ये एक्स वाई जेड, ये सब यही सब वस्तु है, यही सब क्या है, वस्तु है, इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, समझ गया ना, सब एलिमेंट, एक दो तीन ये एक्स वाई जेड, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, समझ गया ना, ये वस्तु कहते हैं। हम पूछेंगे आपको कि एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, तो संग्रह के वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, संग्रह का जो है वस्तु हो गया, हाँ देखो, तत्व हो गया, अवयव हो गया, समझ गया ना, और सदस्य हो गया, तत्व अवयव सदस्य, एक ही चीज हुआ, समझ गया ना, एक ही चीज हुआ, यहाँ पर एक ही चीज हुआ, और सब जगह बदल जाते हैं, केमिस्ट्री में एलिमेंट का अर्थ ही बदल जाता है, समझ गया ना, फिजिक्स में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैथ में तीनों का क्या होगा, मतलब अलग 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 नहीं, एक ही होगा जी सर। अब जैसे सदस्य बोलते हैं ना, गांव में क्या हो जाता है, वार्ड सदस्य जी सर, नहीं हो जाता है जी, तो मैथ में इन तीनों का मतलब क्या हो गया, एक ही हुआ, समझ गया ना, तो एक दो तीन ये सब क्या कहलाएंगे, इनको आप क्या को एलिमेंट को, नंबर को, समझ गया ना,
एलिमेंट को या मेंबर को। उसके बाद देखो इसको हम किस लेटर से सूचित किए हैं, स्मॉल स्मॉल है ना, स्मॉल लेटर जी सर। तो देखो इसके अभी आपको हम स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, स्मॉल लेटर से। को हम किससे सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर। देखो तो ए को हम कैपिटल लेटर्स में हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिखे हैं ना जी। अब देखो इसी एक को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट दो भी क्या कहलाएगा, एलिमेंट, तीन भी एलिमेंट, एक्स वाई जेड ये सभी क्या कहलाएंगे, एलिमेंट, समझ गया ना। तो एगो का नाम दिया यहाँ पर एलिमेंट, प्लूरल नहीं किया, ऐसे सब इसे कनेक्ट कर देगा, एलिमेंट्स हो गया, ऐसे में बता देगा जी सर, एक से अधिक। अब इनका जो है सेट से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को लिखते जाओ, पहला लिखो स्टार करके, हिंदी में लिखा जाएगा जी सर, हिंदी में लिखेगा जी सर, चलिए लिखिए सेट के अवयवों को, क्या जी सर, सेट के अवयवों को पॉइंट लिखा रहे, सेट के अवयवों को इंग्लिश अल्फाबेट के, सेट के अवयवों को इंग्लिश अल्फाबेट के यानी अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स से सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर्स से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, देखो सिंपल अर्थ में सेट के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करे छे। अब अपना मन से भाषा बना के लिख ले, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स से सूचित करते हैं, समझ गया, इंग्लिश अल्फाबेट के हम क्या करते हैं, जैसे आपको एग्जांपल में क्या हो गया, ए बी सी ऐसे जेड तक जाएगा। देखो इनका दूसरा पॉइंट जो है सेट के अवयवों को, सेट के अवयवों को, देखो सेट को तो हम कैपिटल लेटर से सूचित हम किए हैं ना, कैपिटल लेटर से, अवयवों को स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। देखो ये अवयव हुआ ना जी, कौन लेटर में लिखे हैं, स्मॉल की कैपिटल में, स्मॉल में है ना जी। तो सेट के जो अवयव है उनको हम किस लेटर से सूचित करते हैं, तो लिखो सेट के अवयवों को यानी सेट के एलिमेंट्स को, दूसरा पॉइंट, हाँ सेट के एलिमेंट्स को इंग्लिश अल्फाबेट के, सेट के अवयवों को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स लेटर्स से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं, ये हो गया। फिर अगला पॉइंट लिखो, ऐसे एक दो तीन करके देते जाओ जी, सर वैसे लिखो। देखो एग्जांपल इसका क्या सब होगा बोलो तो, ए बी सी डी ई ऐसे हो गया ना, ऐसे तक ही आएगा, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल भी लिखते जाओ अगर तुम भाषा से ही समझ जाते हो तो कोई बात नहीं है, लिख लेगा तो एकदम बढ़िया होगा। देखो कल से तो प्रीमियर में देंगे, आज तो प्रीमियर में देंगे, और कल से जो है कि हो सकता है तो क्लास से ही लाइव शुरू हो जाए, समझ गया ना। तो मोबाइल को बढ़िया से चार्ज करके रखना है, सिम लगा के, हो गया ना सर जी, क्या होगा ये देख रहे हो, ये क्या कौन लेटर है, स्मॉल की कैपिटल स्मॉल है ना,
तो सेट का जो अवयव होता है उसको हम किससे सूचित करते हैं? सेट को हम किससे सूचित करते हैं? कैपिटल कैपिटल देखो कैपिटल है ना, ये कौन ब्रैकेट है? मिड ब्रैकेट है ना, तो लिखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि सेट का जो अवयव है किस ब्रैकेट के अंदर में है? लिखो सेट के अवयवों को, सेट के अवयवों को मिडल ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। सेट के अवयवों को मिडल ब्रैकेट के अंदर में देखो किसके द्वारा रखते हैं, तो फिर लिखो अगला पॉइंट, सेट के अवयवों को कोमा के द्वारा अलग किया जाता है। सेट के अवयवों को कोमा के द्वारा अलग किया जाता है। किया जाता है। हो गया। तो देखो सेट के अवयवों को किस ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं? आप किससे अलग किया जाता है? सेट किसे कहते हैं? इतना चीज तो जान लिया है, एलिमेंट जान गया। एलिमेंट किसे कहते हैं? संग्रह की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एक दो तीन। अच्छा सेट, जैसे सेट हम बताए ना तो क्लास 11 में हम विस्तार से बताए थे कि सेट क्या है। जी सर। फिर भी संक्षेप में यहाँ पर जान लो सेट क्या होता है। जैसे यहाँ पर बेंच डेस्क रखा हुआ है ना जी, बेंच डेस्क का सेट ना है, जैसे यहाँ पर जूता मोजा का सेट, सबका होता है ना सेट ना, होता है बर्तनों का सेट सेट, उसके बाद किताबों का भी सेट होता है, होता है ना। किसी प्रकार से स्वीटर स्वीटर आप जो है कि सेट अनेक प्रकार के सेट देखते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जैसे एनसीईआरटी का 2 को 11th का मैथ का ही बुक ले लेगा, इसको हम सेट नहीं कहेंगे, समझ गया ना। इसमें वस्तु का जो भिन्न भिन्न वस्तु न बुक ले लेगा, सेट होगा, यानी वस्तु एकदम सेम हो रहे, लेकिन हम काउंट करेंगे एक बार ही, समझ गया ना। एक दो बार आए, पांच बार आए, लेकिन एक बार ही लिखेंगे जी। जी सर। जब उसका यूनियन करेंगे, समझ गया ना जी। तो इसलिए भिन्न भिन्न वस्तु बोलते हैं, अगर रिपीट कर दिया उनको हम सेट नहीं कहेंगे। मान के चलो पांच सेट कपड़ा है, सेमे दर्जी से सेमे कलर सब चीज, उनको भी हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं ना। ये तो दैनिक जीवन का सेट है ना, मैथमेटिक्स का सेट इससे वही चीज है, लेकिन थोड़ा हटके है, भिन्न भिन्न वस्तु, समझ गया। उसमें वस्तु को हम रिपीट नहीं करते हैं, ये सेट है। अब लिखो रिलेशन, आप सर एलिमेंट पॉइंट बोला, 11th और 12th का बुक दोनों एक जगह रख दो तो उसको सेट नहीं बोल सकते। हाँ तो रख क्यों ना बोले, अभी बोलेगा 11th का हुआ एकदम मैथमेटिक्स, 12th का अलग अलग ना, डिफरेंट डिफरेंट होगा, सेम ही बुक, समझ गया। जैसे 12th का फर्स्ट ईयर पार्ट दो ले लिया सर, बोलिए तो अलग हुआ जी। सिंपल रूप से तुम्हें सोचो, ये रिलेशंस कर दो, इनको हेडलाइन बना दो, भिन्न भिन्न वस्तु, सर हेडलाइन बना दो, हेडलाइन बना देंगे। लिखो हमारे दैनिक जीवन के रिलेशन, हमारे स्टार में दैनिक जीवन के रिलेशन, स्टार करके लिखिए हमारे दैनिक जीवन के, हमारे हमारे दैनिक जीवन के, रिलेशन संबंध। तो बोलो क्या सब देखते हो, ऐसे एक दो करके लिखते चलो रोमन का, इनको हेडलाइन बना दो, रिलेशन को हेडलाइन बना दो। हाँ हमारे दैनिक जीवन के रिलेशंस को क्या करना, हेडलाइन बनाओ और पॉइंट इनका लिखते चलो। पहला पॉइंट लिखो, माता पिता का संबंध, माता पिता का संबंध, पिता पुत्र का संबंध। दूसरा पॉइंट लिखो, लिख लेते हैं। देखो जैसे माता पिता देगा भाई बहन का संबंध,
माता पिता का सम्मान भाई बहन का पिता पुत्र का संबंध एक पीछे मार दीजिए भाई माँ बेटे का पिता संबंध ऐसे आप लोग अपने मन से जोड़ तोड़ जितना एकदम सकते हो लिख लो उसके बाद ईटीसी कर दो तो ये तो दैनिक जीवन मतलब बोल चाल का ना एकदम रिलेशन है जी है पुत्री के संबंध जो सब दिन से देख रहे हो तो ये देखो ना रिलेशन सब प्रकार का होता है समझ गया ना तो ये था आपको अपने दैनिक जीवन का रिलेशन था ना आप लिखो मैथमेटिक्स के रिलेशन दैनिक जीवन का भी यूज करेंगे मैथमेटिक्स में समझ गया ना तो एकदम मैथमेटिक्स का भी रिलेशन देख लो जो स्पेशल होता है मैथमेटिक्स का रिलेशन मैथमेटिक्स का रिलेशन फिर अगला पॉइंट हाँ स्टार करके लिखो मैथमेटिक्स का रिलेशन देखो पहले इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर हिंदी क्या होता है इनका लंब समझ गया ना हिंदी क्या होता है इनका लंब दूसरा देखो ये नहीं समझे सर कुछ लिखा लंब आधार देश ये संबंध हुआ जैसे देखो रेखा ये रेखा भी पर लंब है तो संबंध नहीं हुआ तो किसका संबंध हुआ तो लंब वाला संबंध हुआ नहीं हुआ लंब वाला संबंध हुआ तो कैसे है तो लंब रूप में समझ गया ना लंब क्या हो गया संबंध हो गया रिलेशन हो गया मैथमेटिक्स का समझ गया ना जी सर उसके बाद दूसरा क्या है पैरेलल दूसरा क्या है पैरेलल जिनका हिंदी क्या होता है समांतर क्या होता है समांतर तो लिखते जाओ इसे पोस्ट में लिख लो समांतर सर ये हिंदी लिखे तो अरे तू मार खेगी समांतर में एकदम हमें हिंदी लिखेगो नहीं सर लिख लिया लड़का से लिख परपेंडिकुलर लंबा देखो परपेंडिकुलर हो गया ना इनका लंब हो गया या लंबवत कुछ भी लिख सकते हो ये पैरेलल है ना बात बराबर इनका होता है समांतर क्या होता है समांतर अब लिखो अगला तो ये आपको दो कौन गुरुवेन क्या हो गया कनगुरुवेन अच्छा कनगुरुवेन बहुत एकदम कनगुरुवेंसी पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में समझ गया ना इनसे परिचित है ना सर्वांगसम इनका हिंदी क्या लिखेगा सर्वांगसम कनगुरुवेन सर्वांगसम लिख लो आर यू सी एन जी आर यू ई एन टी सी ओ एन जी आर यू ई एन टी कनगुरुवेन कनगुरुवेन हिंदी क्या है इसका सर्वांगसम लिखो सर्व उसके बाद लिखो सिमिलर अच्छा क्लास टेंथ में सिमिलर समरूप में पढ़ाता जी जी सर समरूप पढ़ाता ना उसी समरूप का नहीं पढ़ाता जी सिमिलर भी जी सर सिमिलर इनका हिंदी क्या होता है समरूप क्या होता है समरूप होता है आप देखो लेस देन समरूप नहीं थे लिखे तुरा दसवा पर विषय के लिए तो जो विषय जो लेस देन दसवा संबंधित एकदम दसवा के एकदम ट्वेल्थ में पढ़ा आप दिक्कत है जो पूछ रहे जितना दसवा में पढ़ने रहो हम पढ़ने रहिए सर समझ लो हम विषय देखो कमेंट सर्वांगसम में की है छे जकर आकार और अमाप समान रहै छे समझ गेलो ने ओकर आकारो समान रहतै अमाप भी समान रहतै तो ओ सर्वांगसम है छे आ समरूप में की एक चाही ओकर आकार समरूप एक चाही ओकर माप जे छे समान नै होना चाही होवे कि नहीं होवे ऐसा मतलब नहीं छे समझ गेलो ने जी सर
समरूप में कोई में दोनों चीज एक चाहिए, आकारों समान एक चाहिए, मापो अगर समान लंबाई चौड़ाई भी समान एक चाहिए, समरूप नहीं सर्वांगसम हो गया। तो प्रत्येक सर्वांगसम आकृति जो है समरूप होता ही है, समझ गया ना, सर्वांगसम समरूप होता ही है। समरूप में क्या है, आकार समान होना चाहिए, जैसे वृत्त ले रहे हैं ना, उनका त्रिज्या समान हो या नहीं हो, छोटका वृत्त रहे कि बड़का वृत्त रहे, ये समरूप आकृति हो गया, समझ गया ना। ग्रेटर देन से बड़ा, लेस देन से छोटा, ग्रेटर देन से बड़ा, उसके बाद इक्वल मतलब बराबर, समान, इक्वल में समान। भिन्न भिन्न वस्तु के संग्रह को सेट कहते हैं। चलो अब एक साथ बोलो, सेट को हम किस लेटर से सूचित करते हैं, अवयव को स्मॉल लेटर से, समझ गया ना। अवयव किसे कहते हैं, अवयव एक संग्रह के संग्रह के वस्तु को, संग्रह के वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अवयव के संग्रह को ना। उसके बाद देखो किसके अंदर में रखते हैं, मीन ब्रैकेट के अंदर, किसके द्वारा अलग करते हैं, कोमा के द्वारा, किसके द्वारा अलग करते हैं, कोमा के द्वारा, कोमा के द्वारा हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। दैनिक जीवन का रिलेशन बताओ, दैनिक जीवन का भाई बहन का, हुआ ना। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स का रिलेशन बताओ, मैथमेटिक्स का रिलेशन, समझ गया ना, सिमिलर, उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। चलिए समझ चुके हैं ना, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे पूछ दिया करो, हम वैसे बोल देते हैं, क्योंकि तुम लोग छोट चीज पूछ देता है तो साथ उठेगा, लेकिन बता भी देंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी नाम रख सकते हो, समझ गया ना, यहाँ और यहाँ भी रख सकते हो, कोनो जरूरी नहीं, या एक के कोनो लेटर लेकर के उनका नाम रख दो। ये क्या हो गया, लंबवान जी, जी ये संबंध हो गया, समांतर ऐसे हो गया, आपको समांतर हो गया, सर्वांगसम में क्या करते हैं ऐसे, और सिमिलर में हम क्या करते हैं ऐसे, समझ गया ना। उसके बाद हो गया लेस देन एन, जी जी सर, जी सर, से छोटा कोनो संख्या ले लेगा, ये बी ले लिया ना, जी बी छोटा, देखो ये जन्ने छोटका मुँह रहते वो छोट रहते, बड़का मुँह जन्ने रहते बड़ा रहते, ग्रेटर देन भै गए, देखो पहने एकदम बड़ा थे ना, इक्वल ई भै गए, बराबर, बराबर के चीज में इक्वल। ये सभी क्या होते हैं, मैथमेटिक्स के रिलेशन। कितना समय हुआ, टाइम हो गया सर।